ये दो चीज़ें मैंने फिल्मों में देखी। मेरे हिसाब मैंने वो देखा बैंडिट क्वीन कैसेट में देखा, बहुत ही घटिया फिल्म, आइडियोलॉजिकली स्टूपिड सब तरह से। और अगर मणि रत्नम जैसे और साउथ के जिन जिन फिल्म मेकर्स के लिए मेरे मन में बड़ा रिस्पेक्ट है वो कहते हैं अच्छी फिल्म है, तो मुझे लगता है फिल्म का भविष्य खत्म हो गया है, इतनी बुरी फिल्म है। यानी मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि व्हाट इज़ बैड, क्योंकि फोटोग्राफी अच्छी है इसलिए सब अच्छा लगने लगता है। हम डर जाते हैं फिल्म के सामने, यानी घटिया किस्म से गाली कह के वो सत्य बताने जाता है और इतने उसमें क्या कहते हैं बोगस सत्य है। इस तरह का ये एटीट्यूड हमने ढाई फिल्म बनाया गधे, तू कौन होता है कि तू सत्य हमको बताएगा, वहाँ तो हमारा फिर रौद्र रूप दिखेगा। हाउ डेयर यू, ये जो यहाँ पे एनएसडी अच्छा खासा वो प्रोडक्शन राज दर्पण ये पूरा जो कम्युनिस्ट ट्रेडिशन का है उसके बाद कि आप जिम्मेदार हैं, घटिया आइडियोलॉजिकल चीज, अच्छा खासा प्रोडक्शन, इतने खूबसूरत सीन्स हैं और जाके सत्यानाश कर देते हैं उसका। ये नहीं इनको कोई दर्शक की समझ ही नहीं। एक तो आपका पौने तीन घंटे बैठ के बोर होते हैं पूरा समझने की कोशिश, उसके बाद आप हम पे दोष डालते हैं। ये जो है ना, ये जो रिच कम्युनिस्ट क्लास, इसने कम्युनिज्म को ख़त्म किया कि तो वो ऑडियंस के ऊपर कि आप दोषी हैं बगैर बात के। यानी अब पुराना हिस्टोरिकल रिसर्च किसी लेवल पे इतना बचकाने लेवल पे, और अरे भैया जो तुमको आता है बहुत अच्छा करती है, अनामिका आई थॉट वॉज इज वन ऑफ द फ्रेश टैलेंट्स, और ये देख के बीच में आधा इतना अच्छा है बाकी इतना बकवास, बहुत तकलीफ होती है।